महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा और अजान का मामला बढ़ता जा रहा है। अब भाजपा नेता मोहित कंबोज भी इसमें शामिल हो गए। उन्होंने सार्वजनिक स्थलों पर हनुमान चालीसा बजाने के लिए लाउड स्पीकर फ्री में लगवाने का ऑफर दिया है। बीजेपी के सबसे अमीर नेताओं में शामिल मोहित कंबोज ने ट्वीट किया कि जो कोई मंदिर में लाउड स्पीकर लगाना चाहता है वह हमसे मुफ्त में मांग सकता है। सभी हिंदुओं की एक आवाज होनी चाहिए, जय श्री राम, हर हर महादेव। यह ऑफर तब आया है जब भाजपा और राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नव निर्माण सेना ने मस्जिदों में अजान के समय लाउड स्पीकरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग तेज कर दी है। हाल ही में राज ठाकरे ने एक रैली के दौरान कहा था कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर इतनी तेज आवाज में क्यों बजाए जाते हैं, अगर सरकार ने इसे नहीं रोका तो मस्जिदों के बाहर स्पीकर पर ज्यादा तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाई जाएगी। बता दें कि महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मनसे नेताओं ने हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा के अवसर पर लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बजाई। बीएमसी चुनाव से ठीक पहले इस विवाद के कारण मनसे और भाजपा दोनों ही पार्टियां शिवसेना को घेर सकती है। वर्तमान में शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में महाराष्ट्र पर शासन कर रही है। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे मस्जिदों के बाहर लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाने के शुरुआती समर्थकों में से थे। वह दिन में 5 बार प्रार्थना करते थे। उनकी मौत के बाद पार्टी ने अपने कट्टर हिंदुत्व के रुख को नरम किया है। खैर अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूं दीपक। खबरों के लिए बने रहिए मृदुभाषी न्यूज के साथ।